हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो अभी इवनिंग के 5 o'clock हो चुके हैं। जनरली मेरा जो वर्कआउट या जो रनिंग का टाइम होता है, इट्स लिटिल लेट, बट विंटर्स हो गई हैं और मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि आई विल शूट, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज अंधेरा इतना हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता है। सो मैं थोड़ा जल्दी आ गया सो दैट आई कैन शूट। I'm going and I will run for my life. Yes. Chalo, meanwhile I run, I'll show you my place and my compound, my area where I stay and where I do jog and all. Theek hai? Chalo, dikhate hain. Ye mera andar ka area hai, inner area. Theek hai? अगर आप उस तरह से देखेंगे तो उधर गेट है, एक लास्ट में जानेंगे उसको, गेट नंबर 4 बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बीच में ये गार्डन है, इसको हम क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे हम और हम इस तरफ जाएंगे। ये सोसाइटी है, एक आपस में इंटरकनेक्टेड है सारी सोसाइटीज, एक सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी का में जाने का रास्ता है, तो आपस में जाते रहते हैं इधर से उधर। यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल। ये कुत्ता सो रहा है। Here, kids are playing. इसमें ये फोकस का प्रॉब्लम है यार, फोकस करना पड़ता है। हमने एक सोसाइटी क्रॉस कर ली है, तो आप देख रहे हैं वो आपको लास्ट में एक बिल्डिंग दिख रही है, वो उधर ये वाली, ये भी हमारी इसी कंपाउंड के अंदर ही है। लाइक लेट मी फोकस, यस। सो वो भी हमारे कंपाउंड के अंदर है, ठीक है। तो मतलब कितनी दूर है, मतलब यू कैन एक्चुअली से इट्स सो फार, बट देन इट इज़ ऑल्सो इट्स लाइक अ स्मॉल टाउन, यू नो। ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है और ये पैसेज है, और ये जो देख रहे हो इट्स अ गोल चक्कर, वहाँ पर सामने सामने जो ग्रीन ग्रीन है जहाँ कुत्ता खड़ा हुआ है, सो वहाँ से आई विल स्टार्ट रनिंग एंड देन आई विल शो यू, लेट मी रीच देयर। यहाँ पर काफ़ी डॉग लवर्स आते हैं, they all got food to eat. यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, ये मेरा एरिया गोल चक्कर है। अब मैं यहाँ से आई विल रन, जैसे आप देखते हैं मैं यहाँ पर पहले पहुँच जाता हूँ। सो मैं यहाँ से रन करूँगा, ठीक है, वापस इधर ही से आऊँगा, फिर ऐसे करते हुए वो उधर जाऊँगा, फिर यहाँ से घूमते हुए फिर इधर ही वापस आ जाऊँगा, इधर फिर यहाँ से वापस रन करूँगा, ऐसे कर करके आई डू फोर चक्कर्स। पहले मुझे याद है मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं यहाँ से वहाँ तक भागने मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरी सांस चढ़ने लग गई थी, मेरे को बॉडी में पेन होने लग गया था, बट देन स्लोली बढ़ता गया क्योंकि मैं हैबिचुअल था, मैं करता था, पर मैंने छोड़ दिया था बीच में, एंड नाउ आई स्टार्टेड डूइंग अगेन, तो मेरे को वो रिकवर करने में इतना टाइम नहीं लगा। सो गाइस, मेक श्योर यू वर्कआउट एंड यू नो एक्सरसाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रनिंग करना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आई विल गोना रन, ठीक है। तो मैं अपने ये क्या बोलते हैं जो भी है ब्लूटूथ लगा लेता हूँ, हेडफोन्स, सो आई एम ऑल गो, आई एम रेडी, मैं गाने सुनूंगा इसके अंदर, ठीक है। सो अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ पर शूट करूँगा एंड आई विल शो यू, क्योंकि अंधेरे में बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई देता नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, अगर लाइट रही तो आप देख सकते हैं, एक मिनट।
आप देख सकते हैं चांद निकल कर आ गया है, दिख रहा है राइट। सो मैं अभी रनिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर लाइट रही तो मैं फिर से शूट करूँगा, अगर इफ़ आई कैन हैव विजिबल और एनीथिंग इज विजिबल। ऑलराइट, सो मिलते हैं। मैंने ये बैक कैमरा और रखा है ऑन, पता नहीं मेरी शक्ल कैसे आ रही है, बट आई होप, क्योंकि आई थिंक ये कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, तो इसको यूज़ करेंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। वो छोटा सा एक ग्लिम्स था जो मैंने आपको शो किया था कि यू नो वेयर आई वॉक एंड रन, आई डोंट गो जिम राइट नाउ, सो दैट इज माई प्लेस वेयर आई डू लिटिल वर्कआउट और माई कंपाउंड। आई होप यू लाइक डेट थोड़ा देख कर, और अगर आपको भी किसी को मन करता है वॉक करने का या रन करने का, सो यू कैन कम टू माई प्लेस, वी विल डू इट टूगेदर। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया उसके बाद, दो लाइट थी थोड़ी बहुत मैं कर सकता था, बट एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था तो मैं फ़ोन में बात करने लग गया था, तो जब तक मैंने फ़ोन रखा तो वापस अंधेरा हो चुका था, और फिर मैं ऑक्यूपाई हो गया बाकी सब चीज़ों के अंदर। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।